नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट कुलदीप गुलेरिया आपके अपने प्रॉपर्टी चैनल प्रणव रियल स्टेट प्रणव रियल्टर से। तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर आपके लिए एक नई प्रॉपर्टी पे और एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम जिस प्रॉपर्टी पे हैं, लोकेशन पे हैं, तो थोड़ा सा मैं लोकेशन का आपको आइडिया दे दूँ। सेक्टर 115 पड़ता है, लांडरा रोड पे JTBL प्रोजेक्ट है और JTBL प्रोजेक्ट के अंदर ही हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है ये विला। तो दोस्तों बात करें इस खूबसूरत विला की, तो आप इसका पहले एलिवेशन देखिए, बहुत ही प्यारा इसका एलिवेशन आपको जो है वो नजर आने वाला है यहाँ पे। तो डुप्लेक्स विला रहेगा आपका ये, और ये दो विला एक ही साथ इस स्ट्रक्चर में है। ये लेफ्ट साइड देख सकते हैं आप, राइट साइड देख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ इस विला के फ्रंट की, तो विला का जो एक पर्टिकुलर विला का फ्रंट है वो आपका 21.5 फीट का फ्रंट रहने वाला है और 36 फीट का इसका जो है आपका डेप्थ रहने वाला है इस विला का। तो एक स्ट्रक्चर में ये दो विला आ रहे हैं यहाँ पे, और इसके आगे फ्रंट रोड आप ये देख सकते हैं, ये 30 फीट का आपको इसके सामने जो है वो फ्रंट रोड आपको मिलने वाला है। टाइल्स लगना अभी बाकी है, और बाकी जो विला अवेलेबल है, ये जो विला आप देख रहे हैं दो, ये ऑलरेडी बिक चुके हैं। ये अभी जो विला अवेलेबल है वो हमारे यहाँ पे ये दो विला अवेलेबल है। तो आइए हम इसको अंदर से भी इन विला को विजिट करते हैं। दोस्तों ये विला है जो अभी आज की डेट में हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ये दो विला सेम उसी कंसेप्ट में बन रहे हैं जिस तरह से ये दो विला यहाँ पे बने हुए हैं। तो ओवरऑल साइज की बात करूं, 86 गज में ये विला आपको ये मिलने वाला है। तो आइए हम चलते हैं अपने विला के अंदर। तो ये आप ये देख सकते हैं फ्रंट जो है विला का, इस तरह से आपको इसका जो सामने एक विंडो मिल जाता है आपको, और एक डिजाइनर वॉल आपको यहाँ पे मिल जाता है, और आप थोड़ा सा रेफरेंस ले सकते हैं इसका। ये आपको बालकनी इस तरह से यहाँ पे मिल जाती है इस विला की। और आइए हम चलते हैं विला के अंदर, और विला का ये एंट्री रहेगा इस तरह से हमारा। तो जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं, तो लेफ्ट साइड में हम जैसे ही अंदर एंटर करते हैं, तो इस तरह से हमारा ये ड्राइंग डाइनिंग एरिया जो है वो हमें यहाँ पे मिलने वाला है। तो आप ये देख सकते हैं फॉल सीलिंग आपको यहाँ पे मिलने वाली है, और ये आप ड्राइंग डाइनिंग एरिया का आप ये स्पेस देख सकते हैं। तो काफ़ी स्पेशियस आपका जो है ड्राइंग डाइनिंग एरिया रहने वाला है। ये वाला पोर्शन जो है आपका, ये किचन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो इस तरह से ये किचन का स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है, और साथ में पीछे आपको विंडो भी यहाँ पे दिया गया है। तो ये वाला पोर्शन जो है आपका ड्राइंग एरिया का जो है वो पोर्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। और इस तरह से आपको ऊपर जाने के लिए जो है वो स्टेयर्स मिल जाती हैं, डुप्लेक्स है तो इंटरनल स्टेयर्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। और ये हमारा जो है एक आपका बेडरूम आपको मिल जाता है यहाँ पे। तो आप ये देख सकते हैं स्पेस काफ़ी आपको यहाँ पे मिल जाता है बेडरूम का भी, और इसी के साथ यहाँ पे अटैच जो है वॉशरूम आपको मिल जाता है यहाँ पे। तो टाइल हाइट आप ये देख सकते हैं, फुल सीलिंग हाइट आपको टाइल यहाँ पे मिलने वाली है, और काफ़ी स्पेशियस आपका जो है वॉशरूम भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। और इस तरफ हम देखें तो ये हमारा जो है वॉशिंग एरिया का स्पेस, पीछे यहाँ पे काफ़ी स्पेस हमें वॉशिंग एरिया के लिए भी मिल जाता है यहाँ पे। तो आइए हम लिए चलते हैं आपको फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी। तो नीचे डुप्लेक्स विला में हमारे पास यहाँ पे 1 BHK रहेगा, और ऊपर जो है वो हमें 2 रूम जो है वो ऊपर मिलने वाले हैं। तो ये स्पेस आपको फर्स्ट फ्लोर पे मिल जाता है यहाँ पे स्टेयर्स के ऊपर, जैसे आप स्टेयर्स के ऊपर आते हैं, और यहाँ पे हमारे ये 2 रूम्स हमें मिल जाते हैं। तो ये हम चलते हैं पहले फर्स्ट रूम की तरफ। तो आप ये स्पेस देख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस आपका ये रूम रहने वाला है, फॉल सीलिंग का काम यहाँ पे चल रहा है। तो ये आप ये देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस आपका ये रूम आपको मिलता है। इसी के साथ आप ये देख सकते हैं वॉशरूम आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये वॉशरूम का भी आप स्पेस देख सकते हैं, फुल सीलिंग हाइट टाइल्स आपकी मिलती हैं यहाँ पे, विंडो आपको दी गई है यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए। और ये स्पेस आप ये देख सकते हैं वॉशरूम का, काफ़ी स्पेस आपको यहाँ पे निकल के आ जाता है। और पीछे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये आप स्पेस देख सकते हैं, तो ये आपका पीछे बालकनी में जो है वो स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो और ये वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर यहाँ पे आपको विंडोज वगैरह दी गई हैं यहाँ पे,
चाहे वॉशरूम है आपका, चाहे वो आपका रूम्स हैं, तो दोनों ही रूम्स में प्रॉपर आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है और सनलाइट के लिए, कि ताकि घर के अंदर प्रॉपर आपका वेंटिलेशन जो है वो और सनलाइट बना रहे। तो आप ये देख सकते हैं इस रूम का भी काम चल रहा है, तो आप अंदर से नहीं दिखा सकते, जस्ट आप ये यहीं से ही आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये रूम का साइज आप देख सकते हैं। ऊपर फॉल सीलिंग का काम अभी चल रहा है और ये विंडो आप सामने देख सकते हैं, वॉशरूम आप ये देख सकते हैं, तो वॉशरूम भी आपको यहाँ पे अटैच दोनों ही रूम्स में आपको मिल जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे रूम्स, अब बात करेंगे हम बालकनी की। तो बालकनी का साइज आप ये देख सकते हैं, तो आपको ये फ्रंट बालकनी आप ये देख सकते हैं, इस तरह से आपको जो है बालकनी यहाँ पे मिल जाती है। तो आइए हम चलते हैं अपने छत के ऊपर, तो छत के जाने के लिए भी स्टेयर्स आपको यहाँ से मिल जाती है। तो इस तरह से आपका जो है छत के लिए भी आपको जो है वो जगह यहाँ पे स्टेयर्स यहाँ पे मिल जाती हैं। आप ये स्पेस देख सकते हैं और ये जितना भी आपको ये साइड्स में आप ये देख पा रहे हैं स्टेयर्स के साइड में आपको ग्रिल यहाँ पे मिलेंगी। तो दोस्तों छत का स्पेस आप ये देख सकते हैं, तो इस तरह से आपको जो है वो छत यहाँ पे मिलने वाली है। तो आप ये स्पेस देख सकते हैं, तो इस तरह से आपका जो है छत का स्पेस आपको मिल जाता है यहाँ पे, और सराउंडिंग भी आप ये देख सकते हैं, कोठियाँ आपकी जो है आसपास यहाँ पे जो है बन रही हैं, और इस तरह से आप ये देख सकते हैं सराउंडिंग सारा आपका जो एरिया है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि एक डुप्लेक्स हाउस के ऊपर, एक शानदार विला के ऊपर। तो दोस्तों हमारे जो भी व्यूअर्स, हमारे जो भी दोस्त इस तरह का विला, अपना घर, इंडिपेंडेंट हाउस अगर देख रहे हैं, तो एक शानदार ऑप्शन उनके लिए हो सकता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर दिए गए हैं, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और विजिट का जो है वो मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। तो अब बात करें दोस्तों डिमांड की, इस खूबसूरत विला की जो डिमांड है बिल्डर्स की तरफ से वो है 49.90 लाख, और नेगोशिएबल है ये। तो आप ज़रूर इस प्रॉपर्टी को विजिट करें। तो दोस्तों आज के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं नई प्रॉपर्टी पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।